उधर सिरोही के आबूरोड में हुई बारिश के बाद शहर में स्थिति अब दयनीय हो गई है। शहर में कई जगह पर दीवार ढह गई तो कई जगह पानी भर गया, साथ ही सड़क धंसने की घटना भी यहां पर सामने आई है। गांधीनगर क्षेत्र में कई घरों में रात्रि में पानी भरने की जानकारी भी निकलकर सामने आई। मानसून की ये पहली बारिश है और शहर के इतने बुरे हाल पर अब लोगों में रोष व्याप्त हो गया है। गांधीनगर क्षेत्र में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। लोगों का आरोप है कि सीवरेज काम में कंपनी द्वारा जगह जगह सड़कें खोदी गई, जिसके चलते जल भराव की स्थिति बन रही है। गनीमत रही कोई हादसा नहीं हुआ। बारिश के बाद 10 दिन पूर्व तहसील रोड पर बनी सड़क धस गई। सड़क धसने से उसमें पिकअप फंस गई और मौके पर बड़ा गड्ढा बन गया। ये स्थिति बनी हुई है। आज बाजार में छज्जे घिरे हैं, रात को जगह जगह नाले ब्लॉक पड़े हैं, इनको नोटिस देने हैं वगैरह, ये सब अधिकारियों का काम होता है। लेकिन ऐसा ही जब इच्छा होती है जब छुट्टी चले जाते हैं और कोई यहाँ जवाबदार आदमी है नहीं। इतनी बार सूचना देने के बाद भी आज शहर में जगह जगह रोड जो एलएनटी द्वारा शिकायत है, एलएनटी वालों को खूब शिकायतें करी, लेकिन देखो जान ही रहा। आज मेन तहसील रोड एसडीएम के नाक के नीचे जहां उपखंड अधिकारी बैठते हैं, इनके सामने जो रोड बने हैं एलएनटी के, इतने घटिया क्वालिटी रोड बनाए हैं और तीन जगह से रोड पूरा बैठ गया है।